और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा इनके कारनामों को, अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितने घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी। और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं, अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते, कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं। और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं, 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी भी है तो खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बना करके उन्हें नौकरी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अब यहां का खिलाड़ी जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतता देश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भी देती है और साथ साथ नौकरी भी देती है। प्रीति पाल की चर्चा यहां पर जेएनसी कर रहे थे। बहनों भाइयों, मैं स्वयं इन खिलाड़ियों को मैंने लखनऊ में आमंत्रित किया था और लखनऊ में आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया था, धनराशि भी दी थी। और मैंने कहा था पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन करिए, आपको नौकरी की गारंटी ये सरकार देगी, क्योंकि आपकी सरकार है। ये उपचुनाव उसी परसेप्शन को ठीक करने के लिए आपके बीच हमें लोग आए हैं, हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं। देश के अंदर मैसेज साफ होना चाहिए, संदेश साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए, हमें अराजक तत्व नहीं चाहिए, विकास के बैरियर को हटाने वाले लोग चाहिए, किसानों का सम्मान करने वाले लोग चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा देने वाले, बेटी और बहन का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। और केवल एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की
भाजपा और आरएलडी की सरकार ये गारंटी आपको देने के लिए आज आपके बीच में आई है, आपसे कहने के लिए आई है, यह कार्य केवल यही करेंगे। केवल और केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार इस कार्य को कर सकती है, क्योंकि हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी हैं, हमारे आदर्श धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी हैं, हमारे आदर्श वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। हमारे आदर्श भारत माता का वह लाल है जो अपने आप को भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जाति मत और मजहब के लिए नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे, यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले क्यों, उनका मुंह बंद है इस पर। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं।